तो डीडीसी चुनाव के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। आपको जानकारी दे दें, एक सीट पर बीजेपी आगे है, दो सीट पर गुपकार गठबंधन आगे चल रहा है, चार सीटों पर अन्य पार्टियों को बढ़त हासिल है। तो ये डीडीसी चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 280 सीटों के लिए वोटों की गिनती जो है वो इस वक्त जारी है और धीरे धीरे अब रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, एक सीट पर बीजेपी आगे है, दो सीट पर गुपकार गठबंधन आगे चल रहा है और चार सीटों पर अन्य पार्टियों को बढ़त हासिल है। और इन चुनावों पर न सिर्फ पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बहुत ही बारीकी नजर से इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाएंगे कि जो 370 धारा हटाई गई है, उसके बाद जो विकास के दावे भी बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हमने देखी है गुपकार अलायंस के सियासी दलों की, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अब जो जनता इतनी भारी तादाद में बाहर निकलकर आई है, जिन्होंने ये मतदान किया है, अब जीत किसकी होती है, गुपकार गठबंधन की होती है या फिर बीजेपी की होती है? और इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है निर्मल सिंह जी आपका। और आज की सुबह कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लिए ये नई सुबह होगी, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहली चुनावी कवायद और बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है नतीजों का। जी जी, हम भी कर रहे हैं जी। जी निर्मल सिंह जी, जो 370 को लेकर जो सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में, ये माना जाए कि उसी पर ये उसी का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इन चुनावी नतीजों में? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां हैं जो 1947 से है वो विभिन्न है। यहां पर प्रायोरिटी है कि यहां पर लोकतंत्र जो है उसकी उसको स्थापित हो, राष्ट्रवाद स्थापित हो और भारतीय जो संविधान है वो स्थापित हो। तो उसी की जो है राह के ऊपर चलते हुए जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो जम्मू कश्मीर में हुआ, जो हम 72 साल से सपना देख रहे थे, और जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय की जो बात थी, एक विधान एक निशान एक संविधान की बात थी, वो चीज जो है लागू हुई है। और उसके बाद यही गुपकार गठबंधन है जो कह रहे हैं कि हमने जो है हाथ मिलाया है राष्ट्रवादी जो ताकतों को रोकने के लिए, वो लोगों ने कहा था कि हम जब तक जो है 370 वापस नहीं आएगी तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो है इनको इलेक्शन लड़ना पड़ा मजबूरी से, इनको जो है जिस प्रकार की सिचुएशन जो है क्रिएट हुई, केंद्र ने जो फैसला लिया, ये चुनाव में आए हैं और चुनाव लड़े हैं और अच्छी वोटिंग हुई है जम्मू कश्मीर में और ये लोकतंत्र की सफलता है। इनका जो डिजाइन था, इनकी जो षड्यंत्र था जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रवाद को डिफीट करने का, वो डिफीट हुआ है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनकी जो मानसिकता थी, इनकी मंशा जो थी, उसे रिजेक्ट किया है और भारतीय संविधान में उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया है। जी, लेकिन निर्मल सिंह जी, ये क्या बहुत एक टफ मुकाबला नहीं है बीजेपी के लिए कि बीजेपी एक तरफ और हम देखते हैं कि जो 6 सियासी दल हैं और खास तौर पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों की बात की जाए जिनका वर्चस्व रहा है कश्मीर घाटी में, जो दुश्मन हुआ करते थे उन्होंने हाथ मिला लिए आपके खिलाफ? बिल्कुल, यही लोग थे जो आपस में लड़ते थे और किसी भी हद तक जाते थे, ये जो कुर्सी की लड़ाई में आज वो इकट्ठा हुए हैं। और वो इकट्ठा हुए हैं इसलिए नहीं कि यहां पर जो है लोकतंत्र की बहाली हो, लोकतंत्र जो है प्रस्थापित हो, इसलिए हुए हैं कि बीजेपी को, भारतीयता को, राष्ट्रवाद को कैसे रोका जाए। और ये इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जो खुद बात कहते हैं उसी के पीछे, उसी से पीछे हटते हैं, जो लड़ते हैं फिर इकट्ठे होते हैं। तो ये जो इनका जो है ये आडंबर है, इनके जो ये जो इस प्रकार की नौटंकीबाजी है वो लोगों के सामने आ गई है और उसमें कश्मीर के लोग, जम्मू में तो बिल्कुल लोग स्पष्ट थे। लेकिन निर्मल सिंह जी, आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती तो आरोप लगा रही हैं कि गुंडा राज चल रहा है। अभी तो वोटों की गिनती शुरू भी नहीं हुई और उससे पहले पीडीपी के कई सीनियर नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। देखिए, हिरासत में अगर लिया है तो वहां पर उनका जो है अंदेशा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे, यहां पर फिर से वही नारे जो है लगाएंगे,
जो एंटी इंडियन नारे लगाएंगे, एंटी इंडियन जो है प्रोटेस्ट करेंगे, पत्थरबाजी के लिए लोगों को धकेलेंगे, और इसमें क्योंकि जब ये हारेंगे या जिस प्रकार से भी सिचुएशन होगी तो उसको ये कर सकते हैं, तो प्रिकॉशनरी मेजर पर किया होगा सरकार ने, लेकिन इसके साथ गुंडागर्दी, अरे भाई गुंडागर्दी तो आप लोग करते हो। जिस तरीके से आपने जो है 72 साल तक भारतीय लोकतंत्र को, जम्मू कश्मीर को बिल्कुल आपने जो है जहां खून खराबे की तरफ, अलगा पत्थरबाजी की तरफ धकेला, आज पहली बार है कि जम्मू कश्मीर इतना शांत दिख रहा है, तो अगर उस शांति में आप गड़बड़ करोगे तो डेफिनेटली यही होगा। और आप जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था, जैसे आप जो है इसमें चुनावों में आए हैं, आने वाले वक्त के लिए भी आप करिए, अपने मन की तैयारी रखिए, नहीं तो आपकी वो जो पुराना जो एजेंडा है, पुराने के जो टैक्टिक्स है वो चलने वाले नहीं है, क्योंकि अभी भारत में बड़ी सशक्त सरकार है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन उनकी शिकायत बीरबल सिंह जी ये भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, सुरक्षा के नाम पर जो चुनाव प्रचार की जो उन्हें आजादी दी जानी चाहिए थी उन्हें बंद कर दिया गया, और प्रशासन ने कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीदवारों को वहां पर ज्यादा वो दी, तवज्जो दी, ये भी शिकायत की जा रही है। झूठ करने की बात है, ये झूठ मार रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से जब से ये जो है चुनाव जो है उनकी घोषणा हुई है ये बाहर है सारे, और अगर वो वहां पर एंटी इंडियन कोई बात होती है, एंटी नेशनल कोई बात होती है, तो डेफिनेटली सरकार को मजबूरन जो एक्शन किया करना पड़ता है, लेकिन ये इन्होंने जो है गए हैं लोगों के बाहर गए हैं। हाँ, इन्होंने जो एंटी नेशनल एजेंडे के आधार पर जो है लोगों को जो है ले जाने की कोशिश अगर की होगी तो इन पर एक्शन हुआ होगा, तो वो जरूरी भी है जी। निर्मल सिंह जी, अब 370 हटने के बाद जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की राह पर है, तो ये जब चुनावी नतीजे आएंगे और जिस तरह से हमने उत्साह देखा है वोटरों के बीच, अब वो अपनी मुहर किस बात पर लगाते हैं, क्योंकि हमने बयानबाजी भी सुनी है जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जिस तरह से कहते रहे हैं कि चीन की मदद लेंगे 370 हटाने के लिए, ये बयानबाजी भी हमने सुनी है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि जम्मू कश्मीर का झंडा जब तक नहीं आएगा वापस हम भारत का तिरंगा नहीं लहराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं मुहर तो लगाई जाएगी, जो जनता निकलेगी अब वोट देने के लिए वो किस ओर जा रही है, तो ये मैंडेट तो उसी दिशा में होगा। विकास का जो मॉडल है उसमें पंचायती राज का बहुत बड़ा रोल है, जो 72 सालों में जम्मू कश्मीर में यहां पर नहीं आया। बीडीसी के इलेक्शंस पहली बार हुए, डीडीसी के इलेक्शंस पहली बार हुए, सारी बातें एक तरफ से ऑटोनॉमी मांगते थे, सेल्फ रूल मांगते थे, लेकिन लोगों को एम्पावरमेंट की बात जब आती थी तो ये पंचायती इलेक्शंस भी नहीं करवाते थे। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब हमारी सरकार थी, कि यहां पंचायती इलेक्शंस करवाएं क्योंकि लोग जो है अपनी डेवलपमेंट खुद करें, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, बिल्कुल नहीं माने। भारतीय जनता पार्टी के साथ जितनी भी पार्टीज थी उसका विरोध करती रही। आज 370 जाने के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है स्थापित हुई है, तो ये विकास मॉडल जो है स्थापित हुआ है, तो पहले आपके पास सिस्टम चाहिए, और सिस्टम अभी प्रस्थापित हुआ है, और आगे आने वाले वक्त में केंद्र की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से फंड्स आएंगे, और लोग जो चीन चुन के आएंगे वो खुद जो है इनको फंड्स को जो है गांव तक लगाएंगे, आखिरी आदमी तक, अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है, आखिरी आदमी तक जो है उसको विकास पहुंचे, उसकी जो व्यवस्था बनी है, तो उसमें जो है जो भी जीतेगा उसमें जो है विकास जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा, और राष्ट्रवाद यहां पर जीतेगा। जी बिल्कुल निर्मल सिंह जी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये गणतंत्र की हार है और गणतंत्र की जीत हुई है, क्योंकि इतनी भारी तादाद में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा मतदान के लिए, वो भी इतनी ठंडी, जब वहां पर ठिठुरन है और बर्फबारी भी हो रही है, ये वाकई बोलना चाहिए कि लोकतंत्र की विजय हुई है सबसे पहले। तो बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल सिंह जी हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, लश्करे तैयबा के 2 आतंकियों ने कुलगाम में सरेंडर किया है, दोनों आतंकियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। आपको ये सरेंडर का वीडियो हम दिखाते हैं, कश्मीर के कुलगाम में लश्करे तैयबा के आतंकियों का ये सरेंडर, ये देखिए तस्वीर। परिवार की अपील पर इन आतंकियों ने सरेंडर किया है। ये लश्करे तैयबा से जुड़े हुए 2 आतंकियों की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सरेंडर का वीडियो आपके सामने, और हमारे घर वालों को भी बुलाया गया और हमने सरेंडर किया, हमने हथियार फेंक दिए। इसके बाद मैं अपने भाइयों से बस यही अपील करता हूँ कि वो ये गलत रास्ता छोड़ दें, क्योंकि इसमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। जितने भी
इनके जो कमांडर है वो सब गलत है। अबास शेख भी और जो क्या नाम है उसके खालिद, वो सब गलत है। उस लड़कों को बहकावे में लाकर उनको एक्टिव कराता है, फिर उसके बाद उनको मरवाता है। और जितने भी ये पाकिस्तानी है सब बकवास है। सब लड़कों को बहकावे में लाते हैं और सब इनके साथ ही गेम खेला जाता है। इसके बाद में फौज और पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया फिर से जीने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं भी अपने भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि हमने सिलेंडर किया है, अभी अभी हमने कांदेर चांद्रा बोरे में सिलेंडर किया, देखो हम कैसे यहाँ पे मतलब अच्छी तरह से रखा है इन लोगों ने हमें यहाँ पे। तो हम भी आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग वापस आ जाइए इस मतलब रास्ते से, वापस आ जाइए, ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता नहीं है। ये लोग हमें निकलवाते हैं घर से, फिर मरवाते हैं बीच रास्ते में। तो मैं अपील करता हूँ लोगों से कि वो वापस आ जाए। सब तो देख रहे हैं आप कि आतंकवादियों को समझ में आ रहा है कि ये गलत रास्ता है। परिवार की अपील पर अब इन आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया है। तो ये भी हम बदलते कश्मीर की तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से विकास की राह पर अग्रसर है जम्मू कश्मीर। आतंकियों का खात्मा भी हो रहा है और कई आतंकी सरेंडर भी कर रहे हैं, जो की तस्वीर अभी अभी हमने आपको दिखाई। सनम शाह यूथ कांग्रेस नेता भी हमारे साथ हैं। सनम शाह, देखिए आपने तस्वीर, जो विदेशी ताकतें हैं, अब इन आतंकियों को भी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की मंशा कितनी गलत है, लेकिन कुछ हमारे देश के सियासी दल हैं जो विदेशी ताकतों की दखलंदाजी को समझना चाहते नहीं, जानबूझकर या क्या कहें आंखें बंद कर ली जाती हैं। सनम शाह, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी मैम पहुंच रही है। आप दोबारा करें अपना क्वेश्चन बोल रही हैं आप। जी हम ये तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर आतंकवादियों ने सरेंडर किया और वो पाकिस्तान की मंशा जो है वो समझ रहे हैं, किस तरह से जो विदेशी ताकतें हैं वो हमारे यहाँ पर दखलंदाजी करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो। और जब हम सुनते हैं कि हमारे सियासी दलों के नेता भी जो हैं वो कहते हैं कि चीन की मदद लेंगे 370 हटाने के लिए, और कांग्रेस जैसा दल भी उन्हीं का समर्थन करता है, भले ही कागज पर ना हो लेकिन दिल से तो उनके साथ ही है। सनम शाह, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है क्या? अच्छा, मैं इस पे एक कमेंट अमित रैना से ले लेती हूं। अमित रैना जी, जी देखिए, इस साल तकरीबन 12 आतंकवादियों ने सरेंडर किया है, और अगर आप देखें तो सबने, और जिन्होंने भी सरेंडर किया सबने कहा कि कहीं ना कहीं हमें गुमराह किया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखें सिलेक्शन को देखकर, जो आपके साउथ कश्मीर के जो आपके टेररिस्ट इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आतंकवादी ग्रस्त ये हैं डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, उसमें वोटिंग परसेंटेज काफ़ी सराहनीय रही है। पुलवामा को छोड़कर कुलगाम, शुपियन, अनंतनाग की वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी सराहनीय रही है। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो पिछली बार पंचायत इलेक्शन में काफ़ी ऐसी जगहें थी कुलगाम में, शुपियन में, अनंतनाग में, जहां इलेक्शन ही नहीं हुए, जहां नॉमिनेशन ही नहीं फाइल हुई, मगर इस बार वोटिंग परसेंटेज बड़ी ही अच्छी रही है। तो कहीं ना कहीं लोग भी अब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आतंकवादियों का डर भी कम हो रहा है। आतंकवादी हैं जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान है तब तक कहीं उनका प्रयास लगातार रहेगा कि किसी तरह कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हालात खराब रहें। मगर अब जो लोगों ने इनको बायकॉट करना शुरू किया है, जो लोगों ने इनकी निंदा करनी शुरू करी है, कहीं ना कहीं वो एक लोकल यूथ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है कि वो अब राष्ट्र मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े हैं, राष्ट्र के साथ जुड़े और राष्ट्र की तरक्की में भागीदार बने। जी, अब मुजफ्फर भट्ट भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। और आप देख रहे हैं कि वोटों की जो मतगणना है इस वक्त चल रही है, और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही पुख्ता कर दी गई है। अब बीजेपी एक तरफ और गुपकार अलायंस एक तरफ, और इन चुनावों पर न सिर्फ पूरे देश की नजर है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है इन चुनावी नतीजों का। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। Available on Google Play and App Store. Download it now.